नो आई एम नॉट समझ। हेलो मेरे बाबूओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये एक्सपोज वीडियो है नीतू राठी पे। तो आप सबने नीतू राठी की वीडियो देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं दिखा दूंगी। अभी मैं रिएक्शन दूंगी अपनी इस वीडियो में, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे बाबूओ, क्योंकि वीडियो मैं ना बना पाई तो इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जो वीडियो नीतू राठी ने बनाई है और लोगों को, सब्सक्राइबरों का दिल तोड़ा है, सब्सक्राइबरों को उल्टा सीधा बोला है, तो उसके ऊपर मैं रिएक्शन दूंगी। तो नए हो तो चैनल है सब्सक्राइब कर लियो मेरी एक्सपोज प्लस में रोस्ट वीडियो देखने के लिए, और यू रोस्ट वीडियो भी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राम राम। पाड़ा मैं हूं, बच्चा के साथ हूं, खुश हूं, ठीक हूं। एक वीडियो थी विद हिडन आइडेंटिटी विद सम पर्सनल क्वेश्चंस आस्क्ड। वाज इट मी? यस। एम आई अबला नारी? No. हम कब कह रहे हैं कि तू अबला नारी है? हैं, हमने तो ना कही, या किसी ने भी नहीं की। लोगों ने तो तेरे को सपोर्ट किया है, लोगों को ये लगा कि तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर गौरव तेरे साथ गलत कर रहा है, इसीलिए लोगों का रिएक्शन आया। और एक बात बता, जब YouTube पे बैठी है तो रिएक्शन वीडियो भी आएंगे, रोस्ट वीडियो भी बनेंगी, तू किसी को रोक तो नहीं सकती है ना। और सारी चीज़ें, जब तू अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें तू ही YouTube पे रखती है, जितनी भी इनके ब्लॉग देख लो, किसी में ये परेशानी हुई, किसी में वो परेशानी हुई, फिर इनको कोई रिएक्शन कर देता है, इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बना देता है, तो इनका मुँह चढ़ जाता है, इनको लगता है कि हमारे नाम से ये व्यूज़ ले रहे हैं। तो बहन, जब तूने दुनिया के आगे, तू चाहती तो उस चीज़ को पा सकती थी, और भी लोग थे वहाँ पे प्रेमानंद महाराज के, वहाँ तू चाहती तो मुंह पे से वो हटाती नहीं। ये सब ना पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है, मैं सही बात बताऊँ, ये आना चाहती है लाइमलाइट में। और पपोए ने जो इसके ऊपर वीडियो बनाई थी ना, इसको एक्सपोज किया था, वो सही कहा था कि हमेशा ना औरत ही सही नहीं होती है, हमेशा कभी कभी भी सही होता है। तो ये चीज ना इस औरत ने ये वीडियो बना के दिखा दी कि ये किस तरह से बदतमीजी से लोगों का दिल तोड़ रही है, अपने ही सब्सक्राइबर जो इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं उनको ये सुना रही है। चुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी, उस आदमी का इन एंड आउट मैं जानू। तो हम कब कह रहे हैं बुआ कि हम जाने वाए, तू ही जाने, खसम तेरो पति तेरो, तू ही ज्यादा जानेगी कि हम जानेंगे वाए, तू ही जानेगी वाए हैं। और लोगों को तू ये कह रही है मैं अच्छे से जानती हूँ, तो क्यों फिर डिवोर्स ले रही है, क्यों अलग रह रही है, हैं? और क्यों स्वामी प्रेमानंद महाराज के आगे आज जाके रोने लग रही, कलेश करने लग रही कि मैं उसके अत्याचार से दुखी हूँ, मैं उसके झूठ से दुखी हूँ, हैं? लोगों को उंगली दिखा रही है, लोगों को बदतमीजी से बात कर रही है कि तुम होते कौन हो बोलने वाले। तो मैं बता दूँ, ये तेरे सब्सक्राइबर होते हैं जिन्होंने तेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जो तेरे अंदर घमंड आया है ना ये इस चीज़ का कि भाई तेरे बड़े सब्सक्राइबर है, ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तू बड़ी यूट्यूबर बन गई है और वो हो गई है, तो ना इस बहम को निकाल दे। लोगों ने खाली तेरे को सपोर्ट किया क्योंकि तू प्रेमानंद महाराज के वहां पे रो रही थी, इसीलिए हूं अपने बच्चों को पालने के लिए। एक पति पत्नी के बीच में वो ऐसी बात हुआ जो चुप सके, होगी कोई बात यार? हैन, पति पत्नी है, हम माने या चीज है, और यू भी माने कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन ब्लॉग भी तो तू ही डालती थी है ना, और तेरा पति डालता था, तो तुम पति पत्नी तो ब्लॉग डालते थे कि आज मेरे के चोट लग गई, आज लड़ाई झगड़ा हो गया, आज मुंह बना लिया, आज ये हो गया, आज मेरे को ये बोल दिया, वो बोल दिया, फलाना ढिकाना। आप इनके ब्लॉग देख लो, इनके चैनल पे जाके, इतनी ज़्यादा इन्होंने खुद ने वो किया, मतलब खुद ने ही अपने सबके सामने रखते थे। ब्लॉगर का काम ये होता है, फिर इनको एक्सपोज कर दो तो ये रोने लग जाते हैं। वैसे अरमान मलिक है, इससे अच्छा है, अरमान मलिक को दुनिया एक्सपोज करती है, लेकिन उसने रिएक्शन दिया है एक आध बार, लेकिन ऐसा नहीं दिया जितना ये एटीट्यूड दिखा रही है। एक तो ब्लॉगर है, लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ऊपर से एटीट्यूड और दिखा रही है लोगों को। जब पति पत्नी की बात थी तो पति पत्नी तक रखती ना, क्यों स्वामी प्रेमानंद महाराज के वहां जाके गा रही है तू?
रही है तो फिर तुझे मुखौटा पहन के घूंघट करके करना चाहिए हो क्यों दुनिया के आगे? फिर तो लोग करेंगे ही ना तुझे, एक्सपोज तो करेंगे क्योंकि तू एक यूट्यूबर है, ठीक है, ये चीज याद रख ले। चलो जो भी है, इसने अपने सब्सक्राइबरों को और जो अपने सपोर्टर हैं उनको, उनका बहुत दिल तोड़ा है इसने, बहुत उल्टा सीधा बोला है उनको कि तुम होते कौन हो बोलने वाले, हम पति पत्नी हैं, घर में हो जाती है ये वो। और आधे लोगों ने ना 90% लोग तो इसको ना अनसब्सक्राइब कर करके भाग गए क्योंकि ना इसका नेचर अच्छा नहीं लगा लोग को पालने के लिए। एक पति पत्नी के बीच में बहुत ऐसी बात हुआ जो छुप सके, होगी कोई बात यार, छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी, उस आदमी का इन एंड आउट। मैं जाऊं, मेरी श्री जी है मैंने संभालन खातर, रियलिटी यह है उसको यू नकली बना देना। आई कैन नॉट फॉरगेट द 8 years आई स्पेंट। आपने एटीट्यूड देखा इसका, कितना एटीट्यूड है इसमें। और इसको मैं उनको ना चूतिया बोलूं, भैया जिन्होंने यू सब्सक्राइब कर रखी है या अनसब्सक्राइब कर दो। यू नो कह रही है कि होगी घर की बात है ये है, वो है, तुम कौन होते हो, तो भैया ये तेरे सब्सक्राइबर हूँ मैं। और तू खुद इतनी अगर समर्थ है ना अपने बच्चों को पालने में, तो फिर तू यूट्यूब पे का ऐसी तैसी करवा रही है अपनी, फिर अपने घर में रहती तुझे कौन, ऐसे तो दुनिया में लड़ाई होती रहती है, कौन किसको पूछने जाता है। तू सोशल मीडिया पे है इसीलिए लोग तेरे को हेट कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। भाई जो मैं अब कह रही हूँ यार, इसकी औरत की ही गलती है, आदमी की गलती नहीं है, मैं इस चीज़ से समझ गई। क्योंकि बहुत ईगो वाली और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली लेडीज है ये, और इसके साथ गौरव तनेजा तो क्या, इसके साथ इस दुनिया का कोई भी आदमी नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी बातों से साफ नज़र आ रहा है कि कितनी ज़्यादा बेकार लेडीज है ये। बताऊं गिव अवे चल रहा है, पार्टिसिपेट कीजिए, फर्स्ट कमेंट करने वाले को मिलेगा मामा अर्थ के प्रोडक्ट। और मेरी वीडियो 2:30 बजे दिन के, रात को 10 बजे आती है, तो फर्स्ट कमेंट करके जरूर बताना, जो भी आपकी राय है वो कमेंट करके जरूर बता दिया करो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो आपका ओपिनियन है, तो जरूर कमेंट किया करो। नए हो तो चैनल है सब्सक्राइब करे बिना कतई चले मत जाइयो, देख लियो बुरो मान जाऊंगी। टेक केयर, लव यू ऑल।